अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी औरतों के साथ ये मसला होता है कि उनकी हाथों पर, पंडलियों पर, उंगलियों पर, पाँव पर, हद तक कि हथेलियों की पुश्त पर और चिन पर, यानी कि टोरी पर और अपर लिप्स पर और माथे पर, आईब्रो और ये फॉरहेड, गर्दन की बैक पर या फिर पेट पर, नाफ के नीचे लाइन की सूरत में या फिर नाफ के ऊपर लाइन की सूरत में ऊपर चेस्ट तक बाल होते हैं, बालों की एक बारीक सी लाइन होती है, हल्के से बाल होते हैं। कुछ औरतें इनको ब्लीच करके बालों का जो रंग है वो तब्दील कर देती हैं ताकि विजिबल ना हो और जो बालों का कलर है वो स्किन की तरह हो जाए ताकि बदनुमा ना लगे, और फिर कुछ वैक्स करके या फिर क्रीम का इस्तेमाल करके जो है जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को रिमूव कर लेती हैं। इसके लिए ये दलील पेश की जाती है कि औरत को चूँकि औरत ही लगना चाहिए तो ये मुनासिब है, इसलिए अगर कोई औरत गैर ज़रूरी बाल हटाए तो जायज़ है। इस सिलसिले में तिब्रानी की रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक औरत आई और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि क्या कोई औरत अपने खावंद के लिए अपने रुखसार के बाल हटा सकती है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अज़ियत को मुमकिन हद तक दूर करो। लेकिन हमारे मुआशरे में देखा जाए तो औरत के गैर ज़रूरी बालों से ज़्यादा मर्द को औरत की ज़बान अज़ियत देती है और मर्द की ज़बान से औरत को अज़ियत होती है, वहाँ पर एक दूसरे के ये ताबेदार नहीं होते। यकीनन आपने कभी ऐसी लड़ाई या फसाद नहीं देखा होगा कि मर्द ने इस बात पर किया हो कि औरत के गैर ज़रूरी बाल मुझे अज़ियत देते हैं। एनीवे, इस बात का फ़ायदा अगर देखा जाए तो बहुत कम और नुकसान बहुत ज़्यादा, और शादीशुदा औरत पर जितनी ज़िम्मेदारियां होती हैं तो उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए वक्त नहीं होता। और इस चीज़ से फ़ायदा कौन उठाता है? जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो फ़ायदा उठाती हैं। आप यकीन करें कि मैंने ऐसी औरतों को भी ऑब्ज़र्व किया जो आईब्रो बनाने के लिए खावन को मजबूर करती हैं कि खुदा रा इनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग मजाक उड़ाते हैं। मतलब वो लोग भी हो सकते हैं जिनसे पर्दा शरई तौर पर जायज़ हो लेकिन औरत ना करती हो, माजरत के साथ घर के मर्द हजरात यानी कि देवर या कज़न्स वगैरह या फिर वो सहेलियां या फिर वो नेबर्स या फिर इस तरह की गैदरिंग कि जहां पे उठना बैठना शरई तौर पर नहीं बनता, जहां पे आपकी यानी कि ज़ातियात पर भी बात इस तरह होती हो। शरी कानून क्या कहता है इस बारे में कि मखलूक की ताबेदारी या खुशी हासिल करने के लिए आप खाले की नाफरमानी नहीं कर सकते, और इस रिवायत पर जो है क्यास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज़ियत का बायत इंसान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का भी हो सकता है। कभी इंसान का छोटा कद, उससे भी इंसान को अज़ियत होती है, कभी इंसान को काली रंगत से अज़ियत होती है, कभी किसी का बड़ा पेट, कभी मोटी नाक, कभी पिचके हुए गाल, तो कभी छोटी आंखें, कभी मोटा वजूद, कभी दुबला वजूद, तो हो सकता है इस पर कयास करके लोग कॉस्मेटिक सर्जरी को भी हलाल समझने लगें कि इस अज़ियत को दूर करना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो बिल्कुल वाज़ह हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, निसाई की ये रवायत है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, जिस्म गुदाने वालियों पर और दांतों में रगड़ करके खला यानी कि दांतों की जो तराश खराश के दांतों को खूबसूरत बनाया जाए, अल्लाह लानत फरमाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करती हैं। इसके अलावा सूरह अल-हशर में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे उसे ले लो और जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे उसे रुक जाओ। जिस्म गुदाना मतलब बदन पर सुई और तेल से जो है या उसमें कलर्स डाल के जो है टैटूज़ बनाना जिस्म पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, या मस्नूई हरे या काले रंग के तिल आपने अमूमन देखा होगा, ये बहुत कदीम है, ये बहुत कदीम है। जैसे कि जो पठान औरतें होती हैं या चित्राल की जो औरतें होती हैं वो चेहरे पर जो है हरे या काले रंग के तिल बनाती हैं, वो भी टैटूज़ की तरह ही होता है जो कि मना है।
جزاک اللہ، جس کو بھی میرا میسج اچھا لگا ضرور شیئر کیجیے گا۔